महाराष्ट्र ऑटो चालक मालक एसोसिएशन की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। किस संबंध में ये धरना आंदोलन किया गया था, जानने के लिए देखते हैं ये खबर। महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठना की ओर से एक दिवसीय भव्य धरना आंदोलन किया गया। 15 वर्ष के भीतर ऑटो रिक्शा फिटनेस विलंब के लिए लगाए गए अतिरिक्त 50 रुपए शुल्क वाहन प्रणाली से तत्काल हटाए जाए, इस मांग को लेकर यह आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया गया। इस समय संचालक राजेंद्र खांडेकर, इस समय अध्यक्ष मधुकर राउत, अध्यक्ष जहीर शेख इनके साथ आदि की मौजूदगी थी। तो आइए सुनते इस संदर्भ में आंदोलनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा। राज्यातील ऑटो रिक्षा चालकांवर फिटनेस फाईन प्रतिदिवस 50 रुपये आकारण्यात आला आहे, तो कायमस्वरूपी रद्द झाला पाहिजे। कारण एका ऑटोवाल्याचा फिटनेस फाईन प्रतिदिवस 50 रुपये म्हणलं तर वर्षाचे 18,000 रुपये होते। 18,000 रुपये हा एक ऑटो चालक काही भरू शकत नाही। कोरोना काळामध्ये ऑटो चालकाचे धंदे नसल्यामुळे या मागणीला थोडासा सूट देण्यात यावी आणि अवधी वाढवून देण्यात यावा। राज्य महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटनेच्या वतीने राज्यातील ऑटो रिक्षा चालकांचा हा आंदोलन आहे। आम्ही चंद्रपूर जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरना ठेवला। हा धरना राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होत आहे। महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक मालक असोसिएशन तर्फे आज महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा महासंघाच्या संलग्न वतीने आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर फिटनेस 50 रुपये विलंब शुल्क यासाठी मागणी करीत आहे। आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑटो चालक 20 लाख असून त्यांना या प्रणालीमधून वगळण्यात यावे, कारण की ऑटो रिक्षावाल्यांची एवढी कमाई नसते की ते वर्षाचे 10,000 रुपये भरावे। नाही, प्रतिदिवस 50 रुपये, महिन्याचे 1,500 रुपये आणि वर्षाचे 18,200 रुपये भरावे लागते। त्यामुळे या प्रणालीमधून या पूर्ण जिल्ह्यातून आम्हाला ऑटो रिक्षावाल्यांना वगळण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे आणि ही मागणी पूर्ण करावी। आज महाराष्ट्र ऑटो चालक मालक संघटनेची ओर से पूरे महाराष्ट्रभर में और महासंघ की ओर से जो ऑटो चालक के ऊपर जो फिटनेस के ऊपर रोज के 50 रुपये, महीने के 1,500 रुपये और साल के 18,000 रुपये जो सरकार ने लगाई है, वो सरकार से निवेदन है कि वो रद्द करे। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में बहुत सारे ऑटो चालक जो बीमार थे और अभी भी कुछ परेशानी के वजह से, किसको लकवा मारा, कुछ शुगर से बीमार है, कोई बीपी से बीमार है, बहुत से ऑटो चालक ऐसे है जो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं। सरकार ने ये सब बातों का ध्यान रखते हुए सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो शिंदे साहब है हमारे, वो खुद एक ऑटो चालक है, उनसे निवेदन करते हैं कि ऑटो चालकों पे कुछ ऐसी मेहरबानी करें कि जिसके वजह से हम लोगों की परेशानी हटे और हमारे पे जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो पैसे, जो फिटनेस के जो पैसे ज्यादा है सरकार ने लगाई है, वो कायदा जो लगा है वो कायदा रद्द करे और हमारे सामान्य ऑटो चालकों को न्याय दे। ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री, परिवार मुख्यमंत्री इनसे मैं निवेदन करता हूँ। सी टीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।